नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 2023 का डेट बहुत ही नजदीक आ रहा है और इसमें आपकी तैयारी को और ज्यादा उम्दा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हमारा संस्थान कंपटीशन कम्युनिटी ने दो प्रोग्राम लाया है। याद रखना, यह प्रोग्राम बेटा दूर का ब्रांच में रहेगा और ऑफलाइन रहेगा। जिसके अंतर्गत पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए हमने दुर्ग ब्रांच में फ्री ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट किया है। याद रखना बेटा, ये जो टेस्ट है 14 जनवरी को शुरू होगा और लास्ट टेस्ट होगा 6 फरवरी को। इस दौरान टोटल अगर देखा जाए तो 12 टेस्ट होंगे। याद रखना, ये जो टेस्ट है दुर्ग ब्रांच में होगा, ऑफलाइन होगा, टोटल 12 टेस्ट होंगे। और याद रखना, 14 जनवरी से 6 फरवरी तक ये टेस्ट होगा। इसका शेड्यूल जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑफिस में आके आप मिल सकते हैं। आपको इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए, जो दूसरा हमारा जो प्रोग्राम था वो है फ्री करंट अफेयर्स। याद रखना बेटा, ये जो फ्री करंट अफेयर्स की क्लास है ये भी फ्री रही, फ्री, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, ये भी दुर्ग ब्रांच में रहेगा और दुर्ग ब्रांच में केवल और केवल, याद रखना, ये टेस्ट, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ऑफलाइन रहेगी। इसको याद रखना, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना, जो करंट अफेयर्स की क्लास अगर देखा जाए तो 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो कराए जाएंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, याद रखना बेटा, ये 15 और 16 जनवरी को, अर्थात सोमवार मंगलवार को, आने वाले सोमवार मंगलवार को कराए जाएंगे। याद रखना, ये जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट 2023 पे बेस्ड रहेगा। और याद रखना, ये जो टेस्ट करंट अफेयर्स है ये मेरे द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहला टेस्ट सीरीज बेटा 14 जनवरी से 6 फरवरी के बीच है ये सबको। उसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास ऑफलाइन रहेगी। कब से कब तक? तो ध्यान रखना, 15 और 16 को छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आज का जो हमारा वीडियो है, ठीक है, अपन ये बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी महत्वपूर्ण समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, उसको पढ़ा कैसा जाए, ठीक है, एक प्रभावशाली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कैसे इसको रेडी किया जाए, ताकि एग्जाम में जितने भी अगर प्रश्न आते हैं, अगर वो करंट अफेयर से बेस्ड है, वो आपसे मैक्सिमम बन सके। अगर 10 आते हैं 10 में 10 बने, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो कोई भी अपन एक टॉपिक लेते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक लेते हैं बेटा, याद रखना, जैसे अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का विधानसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा, जो हमारे पास चुनाव है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके बारे में अपन क्या क्या चीजें रेडी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, याद रखना, उस पर आज चर्चा करते हैं, क्लियर हुआ। तो ध्यान, अभी जो हमारा क्लास रहेगा इस पे अपन डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ध्यान रख, जो विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले याद रखना, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, विधानसभा चुनाव कितने नंबर का है, कौन कराता है, कौन पदाधिकारी है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा अपन ये देखेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, कितने चरण में मतदान हुआ है, कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, ठीक है, कितने सीट पे मतदान हुआ है, प्रक्रिया पढ़ेंगे। तीसरा ये पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कितने मतदाता हुए हैं, मेल वोटर्स कितने थे, फीमेल वोटर्स कितने थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतदाता के बाद अपन ये पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना मतदान केंद्र है, कितना मतदान केंद्र बनाया गया था, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपन पढ़ेंगे। और पांचवा अगर देखा जाए तो अपन पढ़ेंगे कितना मतदान हुआ है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसको लेके अपन करंट की चीजें रेडी करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुआ है ना, विधानसभा चुनाव में आइकॉन किसको बनाया गया था, जो प्रमुख आइकॉन है, इनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, जितनी भी मतदाता है उनको अपन जागरूक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, आइकॉन के बारे में पढ़ेंगे। सातवां अगर देखेंगे तो निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिए या फिर निर्वाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन कौन से नया एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए, सब अगर पढ़ लिए तो बेटा आखिरी में अपन पढ़ेंगे परिणाम। तो मैं पहले से बता देता हूं, ये जो मेरा टॉपिक है चुनाव, इसको मैं दो क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। आज का जो क्लास है उसमें ये सारी चीजें रहेंगी, इसके दूसरे भाग में परिणाम के बाद क्या हुआ, कितने लोगों ने सपोर्ट लिया, ये अपन चर्चा बाद में करेंगे, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास वीडियो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, अपन इन 60 टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, क्लियर हुआ, यहां तक शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ का उसके बारे में पढ़ते हैं, सामान्य परिचय पढ़ते हैं, ठीक है,
सामान्य परिचय की अगर बात करते हैं, क्लियर हुआ यहां तक? देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहला विधानसभा चुनाव कब का है? वर्ष 2023 कब तक के लिए? 2028 तक के लिए, याद रहेगा? तो ध्यान रहे बेटा, जो हमारे पास विधानसभा चुनाव हुआ था अभी हाल ही में, वो कब हुआ था? 2023 में, और कब तक के लिए? 2028 तक के लिए है। तो पहला प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ में कितने क्रम का विधानसभा चुनाव हुआ? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में ये छठवें नंबर का क्या बेटा विधानसभा चुनाव था, क्लियर है? आगे ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में या फिर राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव कौन कराता है? तो याद रखना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के विधानसभाओं में विधान चुनाव संपन्न कराया जाता है, आपको याद रखना है, क्लियर हुआ? और अगर बात करेंगे अधिकारी का, ठीक है, कि अगर चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, तो अधिकारी कौन है? तो ध्यान रख, केंद्र स्तर पर जो अधिकारी होगा उसको अपन क्या कहेंगे? निर्वाचन आयुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा, जो कौन है? तो याद रख, मिस्टर राजीव कुमार, याद रहेगा? अगर देखा जाए भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य पदाधिकारी कौन है? राजीव कुमार। इनको अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। राज्य स्तर पर राज्य का जो हमारे पास निर्वाचन जो सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इनका नाम याद रखना, मैडम रीना बाबा साहब कंगाले, नाम क्या है इनका? रीना बाबा साहब कंगाले जो मैडम है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। इतना क्लियर हुआ, इसको याद रखना, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक है, कितने नंबर का विधानसभा चुनाव हुआ ये। उसके अलावा अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब विधानसभा चुनाव होना था तो आदर्श आचार संहिता, जो आचार संहिता है, कब से कब तक संचालित था? तो याद रखना बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए घोषणा हुआ था 5 अक्टूबर को, जिस दिन घोषणा हुआ था उसी दिन से आचार संहिता लागू हो गया था छत्तीसगढ़ राज्य में, शाम को 5 बजे से, ठीक है? उसके अलावा अगर देखा जाए 5 अक्टूबर से यह कब तक संचालित था, क्लियर हुआ यहाँ पे? सॉरी 5 अक्टूबर नहीं बेटा, याद रखना, ये 9 अक्टूबर से है। छत्तीसगढ़ राज्य में आचार संहिता कब से कब तक रहेगा? 9 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुआ था, और ये कब से कब तक? तो याद रखिएगा, ये रहेगा 5 दिसंबर तक। कब तक रहेगा? 5 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव आदर्श संहिता लागू था, क्लियर हुआ यहाँ पे? अब जब चुनाव होना था तो निर्वाचन आयोग ने कुछ प्रतीक चिन्ह बना के रखे थे, उसको अपन कहते हैं शुभंकर। तो शुभंकर क्या था? चुनई चिड़ई था। याद रखना, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का शुभंकर क्या था? चुनई चिड़ई, छत्तीसगढ़ की एक चिड़िया है, उसका नाम है। उसका अगर देखा जाए दूसरा, अगर देखा जाए स्लोगन क्या था, ठीक है, स्लोगन की अगर बात करते हैं, स्लोगन, ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये मैं बता देता हूं, वोट दे, वोट देबर एबर जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी, याद रहेगा? देख लो, वोट देबर, वोट देबर ए बार जाबो जी, ए बार जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी, मनाबो जी, ठीक है, याद रखना, ये बेटा ये है स्लोगन था, क्लियर है? इसको याद रखना, ठीक है? तो ये सामान्य जानकारी था, देख लो अच्छे से, इतने नंबर का विधानसभा चुनाव है, चुनाव विधानसभा चुनाव कौन करवाता है, अधिकारी केंद्र स्तर पर कौन है, राज्य स्तर पर कौन है, ये बताने, आचार संहिता कब से कब तक था, 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच था, शुभंकर क्या है, चुनाई छी रही है, और स्लोगन क्या था, वोट देबर एबार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी, क्लियर हुआ यहां तक? इसको याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, सामान्य जानकारी, किससे संबंधित है? तो ध्यान रहा, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव है उससे संबंधित है, क्लियर हुआ? आगे याद रखना, दूसरा पर पढ़ते हैं निर्वाचन कार्यक्रम, पढ़ते हैं दूसरा पर क्या देखते हैं, निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो ध्यान देना, निर्वाचन कार्यक्रम की अगर बात करें तो ध्यान रहे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 90। कितनी विधानसभा सीट है? 90। तो याद रखना, आपने, आपको पता होगा पहले 20 सीट में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, उसके बाद 70 सीट में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, क्लियर है? तो इसी के संबंध में अपन क्या करते हैं, अभी चर्चा करते हैं निर्वाचन की कार्यक्रम के अंतर्गत या फिर निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, हमारे पास 2 चरण है, ध्यान रखा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कितने चरण पे हुआ था? 2 चरण पे, पहला चरण और दूसरा, याद रखा, द्वितीय चरण। 2 चरण में क्या हुआ हमारे पास? चुनाव हुआ, इसको अपन कर लेते हैं। जब चुनाव होना था तो ध्यान रखा, चुनाव कराने का आदेश कौन देता है? राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति देगा,
याद रहेगा, अगर विधानसभा चुनाव कराना है आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय देंगे, उसको अपन कहते हैं अधिसूचना जारी करना। क्लियर हुआ यहां तक? इसको याद रखो। आगे कितने सीट पे चुनाव हुआ, पहले चरण पे दूसरे चरण पे, वो अपन देख लेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? कितना मतदान हुआ पहले सीट पे दूसरे सीट पे, वो अपन पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? मतदान कब हुआ और ध्यान देना मतगणना कब हुआ पहले, अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव के बाद, वो अपन पढ़ लेंगे मतगणना। ठीक है, और याद रखना बेटा चुनाव कराने का अंतिम तिथि क्या था, अंतिम तिथि मतलब कब तक आपको चुनाव कंप्लीट कराना है किसी भी हालत में, ये क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो सबसे पहले अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव कितने चरण पे हुआ, दो चरण पे। कितने चरण पे हुआ बेटा, या क्या बताओगे? दो चरण पे हुआ है, याद रहेगा। ध्यान देना अधिसूचना पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हुआ था 13 अक्टूबर 2023 को, लेकिन जब दूसरे चरण के लिए निर्वाचन कराना है इसके लिए अधिसूचना जारी हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को, इसको याद रखना। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर देखा जाए पहले चरण पे 20 सीट पे हुआ और दूसरे सीट पे 70 सीट पे क्या हुआ, चुनाव हुआ, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हुआ यहां पे? अब देखो ध्यान से, इसी में ऐड करता हूं मैं, पहले सीट में पहले चरण पे 20 सीट पे चुनाव हुआ, तो ध्यान देना टोटल 5303, याद रखा बेटा क्या बोला मैंने, अगर ध्यान देना कितना सीट था हमारे पास, 20 सीट, कितना सीट था हमारे पास, क्या बताओगे? 20 सीट था, और कितने मतदान केंद्र थे, क्या बताओगे? 5303 मतदान केंद्र थे। कितने मतदान केंद्र में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, दूसरे में कितने सीट में, 70 पे, तो ध्यान देना अगर देखा जाए टोटल हमारे पास मतदान केंद्र कितने थे, 18806, कितना बताओगे, 18806 मतदान केंद्र थे दूसरे चरण पे। टोटल अगर देखा जाए कितने हमारे पास मतदान केंद्र थे, तो याद रखना बेटा 24109, बताऊंगा अभी बाद में। तो ये अधिसूचना हो गया, टोटल सीट हो गया, मतदान कब हुआ, तो याद रखिएगा जो पहले चरण का मतदान था आपको पता भी होगा कब था, 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, कितने सीट में, तो क्या बताओगे आप लोग, 20 सीट में, कितने मतदान केंद्र में, 5309। दूसरे चरण का मतदान हुआ है 17 नवंबर को, कितने सीट के लिए, 70 सीट के लिए, कितने मतदान केंद्र में हुआ, 18806, इसको याद रखना आप लोग। क्लियर हुआ? मतगणना कब हुआ, तो बेटा मतगणना एक साथ ही होगा, मतगणना कब हुआ था, 3 दिसंबर को। ठीक है, चाहे वो पहला सीट बोलो दूसरा सीट बोलो मतगणना एक साथ होता है। क्लियर हुआ? इसको याद रखना, अर्थात पता चल गया था कि कौन सी पार्टी जीती थी। क्लियर हुआ? अब निर्वाचन आयोग ने यह बोला था, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये बोला था जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, याद रखना वो किसी भी परिस्थिति में 5 दिसंबर तक निर्वाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। याद रहेगा निर्वाचन की प्रक्रिया की अंतिम तारीख क्या थी, तो क्या बताओगे बेटा, 5 दिसंबर था, ये सभी राज्य के लिए कॉमन था। क्लियर हुआ? तो याद रखना ये हमारे पास क्या है, निर्वाचन कार्यक्रम, जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको क्या करता हूं, कुछ जानकारी बताता हूं, ध्यान देना। जब चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ 90 सीट में चुनाव हुआ, ये तो क्लियर हुआ, तो जितने भी उम्मीदवार थे उनके लिए जमानत राशि कितनी रखी गई थी, तो ध्यान देना केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसने ये बोला था कि जितने भी हमारे पास उम्मीदवार होंगे उनके लिए जमानत राशि कितनी थी, तो याद रखना बेटा 10,000 रुपए, कितना था, 10,000 रुपए जमानत राशि रखी गई थी यूआर कैंडिडेट के लिए। अगर याद रखना, अगर कैंडिडेट क्या है, कैटेगरी वाला है, ठीक है, तो उनके लिए बेटा जो जमानत राशि है वो 50% कम हो जाएगी, 5,000 रुपए, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। क्लियर हुआ? और उसके अलावा जो उम्मीदवार है, ठीक है, एक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा, मतलब कहने का मतलब ये है एक उम्मीदवार प्रचार प्रसार के दौरान मैक्सिमम कितना रुपया खर्चा कर सकता है, तो याद रखना मैक्सिमम 40 लाख रुपए खर्चा कर सकता है चुनाव के दौरान, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो याद रखना बेटा ये है निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जो आपको याद रखना था। क्लियर है? तो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सामान्य परिचय मैंने बता दिया, और उसके अलावा निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना जारी कब हुआ, ये सबके बारे में कुछ टॉपिक आपको बता दिया। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर बात करें तो याद रखना अपन बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में मतदाता वोटर्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, वोटर्स के बारे में, मतदाता के बारे में पढ़ते हैं। बराबर यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो जो हमारे पास मतदाता है, ठीक है, यहां तक याद रहेगा बेटा, मतदाता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाता कितने हैं, तो देख लो अच्छे से, 203, याद करना बेटा, कितने क्या बताओगे, 203 93 160, आपको जैसी भी याद करना याद कर लेना, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मतदाता है, तो क्या बताओगे,
203-93-160. अब देखो इसको अपन दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में मेल मतदाता कितने, मेल वोटर्स कितने हैं, छत्तीसगढ़ में फीमेल वोटर्स कितने हैं, ये याद रखना। क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से, टोटल मतदाता कितने हैं, तो याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ में टोटल मतदाता है 203-93-160। मेल मतदाता कम से कम 101 याद रखना, फीमेल मतदाता कितने हैं 102 याद रखना। क्लियर हुआ यहां तक? आगे सुनो, तुम्हें ध्यान देना, मेल मतदाता कितने हैं 101-35-561, जैसे भी याद करना बेटा याद कर लेना। क्लियर है? फीमेल मतदाता कितने 102-56-846, ये छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, फीमेल मतदाता। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में अगर टोटल मतदाता 203-93-160 है तो मेल मतदाता कितना प्रतिशत है, आपको अभी आप कमेंट करके बताओगे, फीमेल मतदाता कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है अभी कमेंट करके, जल्दी से जल्दी। क्लियर हुआ? ये पहला चीज हो गया, ये मतदाता के बारे में था। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगर मतदाता के बारे में दूसरा अगर फैक्ट देखा जाए तो प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम मतदाता किस विधानसभा में था, छत्तीसगढ़ में मिनिमम मतदाता किस विधानसभा में है ये आपको बताना था, इस बार तैयार करना था। समझ मारे चीजें क्या बोल रहा हूं? देखो प्रश्न ये है, मतदाता कितने हैं 203-93-160 है, तो भाई पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, ये तो हमारे पास है क्वांटिटी पे, तो प्रतिशत बेटा आप लोग बताओगे कमेंट करके। क्लियर हुआ? बाकी और जानकारी के लिए आपको दुर्ग ब्रांच में आना है, ऑफलाइन क्लास जो 15 और 16 को होगा करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये सारी चीजें और ज्यादा व्यापक रूप से बताई जाएगी। क्लियर हुआ? तो ध्यान दरा, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में जो मैक्सिमम जो मतदाता इस बार कहां था, क्लियर हुआ, तो याद रखना बेटे कहां पे था, कसडोल में, कहां पे, कसडोल विधानसभा में। और उसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो रायपुर ग्रामीण में था, कहां पे था, रायपुर ग्रामीण में था, इसको याद रखना। क्लियर हुआ? मिनिमम की अगर बात करोगे तो मिनिमम जो हमारे पास मतदाता था अगर देखा जाए कहां पे था इस बार, तो याद रखना मनेन्द्रगढ़ में, कहां पे था, मनेन्द्रगढ़, और उसके बाद कहां पे था, कोटा में। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमारे पास क्या मतदाता से जुड़ी हुई जानकारी, क्लियर है? तो देख लो तीन चीजें बता दी मतदाता के बारे में, ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा, क्लियर है? अब देखो इससे संबंधित ये जो हमारे पास मतदाता है, मतदाता से संबंधित क्या करता हूं मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूं, क्लियर है, किसके बारे में, मतदाता से संबंधित, ठीक है। अब देखो आज दूसरे पेज में बताता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये मतदाता के बारे में ही है। देखो सबसे पहला, ये छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग के मतदाता कितने हैं, चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने तृतीय लिंग मतदाता की पहचान की है, तो याद रखना बेटा 753। छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के मतदाता कितने क्या बताओगे, 753 है, इसको याद रखना है। क्लियर हुआ? और ध्यान में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ध्यान में रायपुर साउथ में, रायपुर जो दक्षिण है, जहां के विधायक कौन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट से इस बार क्या प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है, बृजमोहन अग्रवाल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तृतीय लिंग के मतदाता थे, कितने थे, तो याद रखिएगा 96, सबसे ज्यादा कहां पर था, रायपुर साउथ में 96 तृतीय लिंग के मतदाता थे। क्लियर हुआ यहां तक? इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 80 साल से अधिक कितने मतदाता है, क्लियर है यहां तक? तो ध्यान रखना इसका उत्तर मिलेगा 186-215, इतने वोटर्स जिनका एज क्या है 80+ है। क्लियर हुआ? और इसके अलावा याद रखना छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे मतदाता है जिनका उम्र कितना था 100+ था, तो ये आपको याद रखना है 2457, कितना याद रखना बेटा 2457, कितने हमारे पास मतदाता जिनका एज कितना था, तो क्या बताओगे 100+ था। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ध्यान से, कितना ठीक है अपने पास। इसके अलावा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, ये पूछ सकता है आपको, तो ध्यान इस बार इलेक्टर पॉपुलेशन जो रेशियो है ये आपको मिलेगा 67.02%, कहने का मतलब ये है जनसंख्या में कितने लोग वोट दिए हैं, कितने लोग वोटर्स हैं, उसका परसेंट कितना है 67.02, और उनके बेसिस पे जेंडर रेशियो कितना है, ठीक है, जेंडर रेशियो कितना है, तो याद रखना बेटा कितना है, तो 1012 याद रहेगा, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितना है 67.02, मतदाता और जनसंख्या के बीच अनुपात कितना है 67.02, और उनमें लिंगानुपात अगर देखा जाए जेंडर रेशियो कितना, तो क्या बताओगे 1012, ठीक है, किसके बारे में, मतदाता के बारे में। क्लियर हुआ यहां तक? इसको प्लीज याद रखना, ठीक है, तीन टॉपिक के बारे में बता दिया, क्या क्या पढ़ना है,
याद रखना जितने भी टॉपिक है इसको व्यापक रूप से पढ़ेंगे दुर्ग ब्रांच पे। अभी मैंने एक अगर देखा जाए ओवरव्यू भी बता रहा हूं बेटा, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ठीक है, उसका नाम रहेगा मतदान केंद्र। इसके बारे में पढ़ते हैं, मतदान केंद्र के बारे में, मतदान केंद्र के बारे में बताता हूं। अब देखो मतदान केंद्र अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मतदान केंद्र है, तो ध्यान रहा 24,109 कितना है छत्तीसगढ़ राज्य में, कितने टोटल मतदान केंद्र क्या बताओगे 24,109 छत्तीसगढ़ में क्या है टोटल मतदान केंद्र। पहले कितने थे तो याद रखना 23,677 23,670 ये 2018 में था, अभी कितना है तो क्या बताओगे 24,109 क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर देखा जाए 24,109 है तो मतदान केंद्र अगर 24,109 है इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट याद रखो। सबसे पहला अगर देखा जाए एक मतदान केंद्र आपने सुना होगा संगवारी मतदान केंद्र, कौन सा मतदान केंद्र है संगवारी मतदान केंद्र, क्लियर हुआ यहां तक याद रहेगा। तो ध्यान में संगवारी मतदान केंद्र ऐसे मतदान केंद्र है जिनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता था, याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में याद रखना प्रत्येक विधानसभा में, ठीक है, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक सीट पर 10 संगवारी मतदान केंद्र खोला गया था। इस प्रकार से टोटल कितने संगवारी मतदान केंद्र हुए 900, याद रहेगा क्या बोला मैंने, टोटल विधानसभा सीट कितने हैं 90 है, एक विधानसभा सीट पे कितने संगवारी मतदान केंद्र है 10, तो टोटल कितने संगवारी मतदान केंद्र हो जाएंगे हमारे पास 900, याद रहेगा। दूसरा हमारे पास निर्वाचन आयोग ने दूसरा बोला कि एक क्या होगा आदर्श मतदान केंद्र होगा, ठीक है, और ध्यान देना प्रत्येक सीट पर 5 आदर्श मतदान केंद्र होगा। इस प्रकार से टोटल कितने आदर्श मतदान केंद्र हो जाएंगे 450, इसको याद रखना, क्लियर हुआ। इसके अलावा ध्यान देना तीसरा ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो केवल और केवल दिव्यांग जनों के द्वारा संचालित होगा, इसको पढ़ेंगे दिव्यांग जन मतदान केंद्र, याद रखना। इसके लिए एक सीट पर एक विधानसभा सीट पर एक दिव्यांगजन मतदान केंद्र की व्यवस्था थी, अगर देखा जाए टोटल हमारे पास तो 90 क्या हो जाएंगे दिव्यांगजन मतदान केंद्र होंगे, इसको याद रखना, क्लियर है। एक और याद रखना अगर देखा जाए चौथा दिव्यांग भी हो गया, ठीक है, अगर आगे याद रखना ऐसे मतदान केंद्र जो केवल और केवल युवाओं के द्वारा संचालित है, युवा संचालित मतदान केंद्र, तो ध्यान देना इसकी व्यवस्था एक विधानसभा सीट पर एक युवा संचालित मतदान केंद्र होना था, और इस प्रकार से इनकी संख्या टोटल कितनी रहेगी तो क्या बताओगे 90, याद रहेगा बेटा, तो क्या बताओगे 90, क्लियर हुआ यहां तक, इसको याद रखना, ठीक है। ध्यान देना मतदान केंद्र की बात करोगे तो इसमें एक पॉइंट जोड़ देता हूं, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे छोटा मतदान केंद्र कहां पे था, तो ध्यान देना इसका नाम है भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र, सॉरी मतदान केंद्र है ये, याद रखना इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास सबसे छोटा मतदान केंद्र था जहां पे टोटल 5 ही मतदाता थे, कितने वोटर्स थे 5, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा था भरतपुर सोनहट, कितने मतदाता थे 5, और याद रखना ये भारत का दूसरा सबसे छोटा है, क्लियर है। पहला क्या है ये आप कमेंट करके बताइए, क्लियर हुआ इसको याद रखना, ठीक है, इतना क्लियर है। और साथ ही साथ ये भी बोला था निर्वाचन आयोग ने कि जो हमारे पास एक मतदान केंद्र है, याद रहेगा एक मतदान जो केंद्र होगा, ठीक है, एक मतदान केंद्र में मैक्सिमम 1500 वोटर्स ही वोट कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो एक मतदान केंद्र में कितने वोटर्स हो सकते हैं, याद रखना मैक्सिमम 1500 वोटर्स, ठीक है बेटा, इसको याद रखना है आपको, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए अपन पढ़ते हैं मतदान के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं मतदान के बारे में, ठीक है, ठीक है बेटा। मतदान अगर देखा जाए टोटल कितना हुआ है याद रहेगा यहाँ पे, तो देखो अगर मतदान की बात करोगे तो टोटल कितने सीट पर मतदान हुआ था 20 सीट पर मतदान हुआ था, कितने सीट पर मतदान हुआ था 20 सीट पे मतदान हुआ था, क्लियर हुआ यहां तक। तो ध्यान रहा 20 सीट पे टोटल कितना मतदान हुआ था, तो ध्यान रहा 76.31%, सॉरी 90 सीट पर, टोटल कितने सीट पर मतदान हुआ था 90 सीट पर, कितने परसेंट था 76.31%, क्लियर हुआ। अब देखो प्रथम चरण पे कितना परसेंट हुआ द्वितीय चरण पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव कितने चरण पे हुआ, दो चरण पे हुआ है। ध्यान रहा प्रथम चरण पे जो चुनाव हुआ है वो है 76.47%, दूसरे चरण पे हुआ है 75.88%,
छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट पे कितना परसेंट चुनाव हुआ है? 76.31%। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग किस विधानसभा में पड़ा है और सबसे कम वोटिंग किस विधानसभा में हुआ है, ये भी देख लो बेटा। क्लियर है? ध्यान देना, धमतरी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र, उसका नाम है कुरुद विधानसभा क्षेत्र, अजय चंद्राकर सर। और सबसे कम जो हमारे पास हुआ है वो बीजापुर में हुआ है। कहां हुआ है? बीजापुर। क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्यान देना, कुरुद में 90.17% वोटिंग हुआ है, बीजापुर में 48.37% वोट हुआ है। कहां पर? बीजापुर में। क्लियर हुआ यहां तक? तो याद रखना, ये मतदान से संबंधित है, इसको प्लीज देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। क्लियर हुआ बेटा? तो देखो, अभी तक मैंने 400 से 500 भी बता दिया, तो याद रखना ये है छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2023। ठीक है? अब क्लास के स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो, ठीक है, ध्यान देना, ये जितने भी टॉपिक है उस पर मैं क्या करना था, चर्चा करना था। क्लियर हुआ? तो देखो, मैंने ये टॉपिक आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। क्लियर है? इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, ये जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन याद रखना बेटा, ये जो रहेगी चीजें, आगे की चीजें, वो केवल ऑफलाइन रहेगी और दुर्ग ब्रांच में होगी। तो आशा करता हूं आप सभी ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोग्राम है उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेटा प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और हम आप इंतजार करेंगे 15 और 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पे। इससे पहले भी याद रखना, 11 और 12 तारीख को दुर्ग ब्रांच में ऑफलाइन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स कमलेश सर के द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं क्लास पे, ऑफलाइन क्लास पे, दुर्ग में मिलते हैं। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।